नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अंकल। तो नीतीश कुमार दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो शरद पवार से भी मिल रहे हैं, वो सीताराम येचुरी यानी कम्युनिस्ट पार्टियों से भी मिल रहे हैं, वो अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल से भी मिल रहे हैं। यानी राजनीति में जो ध्रुव अलग अलग हैं उन सब से भी मिल रहे हैं। तो आखिर चाहते क्या है नीतीश कुमार? क्या वो ये चाहते हैं कि सारा विपक्ष इसी तरह मिल जाए जैसा कि वो मिल रहे हैं? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? नीतीश कुमार को बार बार ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, खुद वो कह रहे हैं और अपने नेताओं के माध्यम से भी कहलवा रहे हैं। ये एक समझदारी बड़ा कदम है। नीतीश जानते हैं कि अगर दाएं बाएं कुछ हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर, नेतृत्व को लेकर, विपक्ष का नेता कौन होगा उसको लेकर, तो सारा रायता वहीं का वहीं बिखर जाने वाला है और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिर नीतीश कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि विपक्ष एक हो जाए तो स्थितियां बदली जा सकती हैं। बात ये पटना में कही थी, दिल्ली आए तो कह दिया कि ज्यादातर विपक्ष अगर एक हो जाए तो स्थितियां पलटी जा सकती हैं, 2024 में कुछ खेल किया जा सकता है। ज्यादातर विपक्ष और विपक्ष, यानी वो भी मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष में से कुछ लोग साथ नहीं आएंगे। ये एक सच्चाई भरी हकीकत है जिसको वो स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब वो आए हैं दिल्ली, मिल रहे हैं लोगों से, आखिर क्या बात हो रही होगी? राहुल गांधी से क्या बात हुई होगी? शरद पवार से क्या बात, सीताराम येचुरी से, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल से, जो विपक्ष के किसी कदम का साथ नहीं देते। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन नीतीश जब गठबंधन के मुख्यमंत्री बने तो ममता ने फोन तक नहीं किया, बधाई तक नहीं दी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, बाद में दी होगी तो पता नहीं। अखिलेश के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन संबंध अच्छा होना और संबंधों को राजनीतिक एक रैपर पहनाना और फिर ऐसा गठजोड़ बनाना जो गठजोड़ सिर्फ कागजों में नहीं चले, यानी सिर्फ गणित का नहीं हो, उसमें केमिस्ट्री भी हो, उसमें सोशियोलॉजी भी हो, उसमें फिजिक्स भी हो, उसमें बायोलॉजी भी हो, उसमें ज्योग्राफी भी हो, इसमें हिस्ट्री भी हो, फिलॉसफी भी हो, विचारधारा भी हो, क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या इतना समय निकाल पाएंगे? समय निकाल भी लिया तो क्या पार्टियां इतना भाव देंगी? तो फिर वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, या आपके दिमाग को भी मत रहा होगा कि आखिर नीतीश क्या बात कर रहे हो? अब वो कह रहे हैं कि सब मिल जाए तो स्थितियां बदली जा सकती हैं। सब कैसे मिल सकती हैं? शरद पवार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बन सकता है? कोई खाका लेकर आए हैं क्या नीतीश को, या सिर्फ टटोलने आए हैं? और टटोलने भी इस अंदाज में आए हैं कि वो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं से मिले और टटोल कर देखें कि आखिर विपक्ष के रूप में वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनके अंदर दबी छुपी महत्वाकांक्षा क्या है। या फिर वो नीतीश विपक्षी दलों का नेताओं का मन टटोल रहे हैं ये देखने के लिए क्या वो लोग नीतीश को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? फिलहाल एक समन्वय समिति टाइप के अध्यक्ष के रूप में, फिलहाल हम कह सकते हैं हरकिशन सिंह सुरजीत के रूप में, जयप्रकाश नारायण के रूप में, यहां तक कि देवीलाल के रूप में, जिन्होंने विपक्ष को एक किया था, क्या ये शरद पवार हुए, सीताराम येचुरी हुए, अखिलेश यादव हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, स्टालिन हुए, केसीआर तो तैयार है, केसीआर तो आप जानते हैं हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर पटना पहुंच गए थे, डेढ़ दिन पटना रहे वो, आखिर कुछ ना कुछ तो विचार हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो मथा होगा, कुछ ना कुछ तो सुलझाने की कोशिश की होगी, कोई तो फॉर्मूला होगा नीतीश के दिमाग में, बिना फॉर्मूले के फिर किस तरह की राजनीति। तो फिर वही कि क्या वो टटोलने आए हैं कि ये लोग नीतीश को ये अधिकार देने के लिए तैयार है कि वो बात कर लें आपस में और लोगों से भी, उनकी बात वहां तक पहुंचा दें, उनकी वहां की बात यहां तक पहुंचा दें, संवाद सेतु बने, एक तरह से ब्रिज बने, मतभेद मनभेद ये मिटाने की कोशिश करें। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? ऐसा कोई फॉर्मूला तो स्वाभाविक है कि होगा ही होगा। और क्या मन टटोलने के बाद नीतीश फिर तय करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवारी जाहिर कर देनी चाहिए या फिर 2024 के नतीजों का इंतजार करना चाहिए और उसमें जिसके पास जितनी बड़ी संख्या हो उस हिसाब से चीजें तय हो, ऐसा कुछ हो? या फिर कोई फॉर्मूला है नीतीश कुमार के पास? पीके के पास तो कई फॉर्मूले थे जो पटना
से ही आजकल पटना बिहार में ज़्यादा रहते हैं और रैली भी शुरू करने वाले हैं, अपना एक यात्रा टाइप का सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं, स्वराज यात्रा शायद नाम दिया अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो नीतीश के का फार्मूला क्या है, क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि देखिए वो भी हकीकत जानते हैं कि बंगाल के अंदर जैसे ममता है और लेफ्ट हैं वो एक साथ एक मंच पर नहीं आ पाएंगे, केसीआर और कांग्रेस का एक मंच पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, जगनमोहन रेड्डी आ पाएंगे यूपीए के साथ या नहीं आएंगे मुश्किल है, तो क्या कुछ ऐसा फार्मूला बने जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी रीजनल पार्टी अपने अपने इलाके में जहां जहां मजबूत हैं वहां वहां पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और दूसरा हस्तक्षेप नहीं करे, यानी कांग्रेस करीब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने का लोकसभा की कुछ लोग कहते हैं 190, कुछ लोग कहते हैं 200, कुछ लोग कहते हैं 210, फिलहाल जितनी भी सीटें हैं आमने सामने मुकाबला होता है, तो कांग्रेस अपने आप को यहीं तक सीमित रखे, तमिलनाडु में स्टालिन जितनी सीटें दे दें उतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ ले गठबंधन के हिसाब से, और स्टालिन पूरा जोर लगाएं कि 39 में से ज्यादातर सीटें निकालनी है, पुडुचेरी की भी मिला दी जाए तो 40 में से ज्यादातर निकालनी है, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस दोनों विपक्षी दलों के रूप में मजबूत है, जेडीएस का वोकालिगा में है, कांग्रेस का लिंगायत है वोकालिंगा है, फिर उनके सिद्धारमैया जैसे ओबीसी मुख्यमंत्री रहे तो सब जगह कुछ ना कुछ वोट है, 8-9% मुस्लिम वोट भी है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है वहां पर गठबंधन, या फिर महाराष्ट्र में भी इसी तरह का महाविकास अघाड़ी जैसा कोई गठबंधन नीतीश पनपते हुए देख सकते हैं क्या, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस के बहुत अच्छे मीठे संबंध हैं, विधानसभा में भी जितनी सीटें कही चुपचाप उतनी सीटों पर लड़ ली और आज देखिए सरकार चल रही है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन कल ही विश्वास प्रस्ताव पारित किया और 48 मिल गए, यहां तक कि CPIML का भी एक वोट मिल गया, जो NCP का भी वोट मिल गया, जो ML वाला वोट तो मिला नहीं करता था, तो क्या इसको एक आदर्श स्थिति बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहां पर अखिलेश और मायावती के बीच संबंध हुआ था तो 15 सीटें हुई थी सियासी संबंध, और मायावती को 10 मिल गई थी, अखिलेश को 5 सीटें मिली थी, क्या इसके साथ कांग्रेस को मिलाकर एक जोरदार वो बनाया जा सकता है, तो कुल मिलाकर कहानी फिर वही आप कहेंगे उलझती हुई नजर आ रही। आदर्श स्थिति तो क्या हो कि कांग्रेस अपने आप को 150-150 सीटों तक सीमित रखे, बाकी सीटों पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारे लोकसभा में, क्या ऐसा हो पाएगा। आदर्श तो ये है कि बंगाल के अंदर ममता पूरा अपना बना के रखे और कोई और हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसे ही स्टालिन के लिए कहा जा सकता है, ऐसे ही महाराष्ट्र के लिए खासतौर से कहा जा सकता है, लेकिन फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें तीसरा दल भी है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खुद चौथे पोजीशन पर है, तो वो क्या किसी को बता पाएगी और क्या किससे सीख ले पाएगी या क्या किसी को सबक दे पाएगी, वहां अखिलेश और मायावती के बीच नहीं बनती है। हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला है, इसके साथ कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा खासतौर से क्या करेंगे जिनका जाट वोट बैंक एक है, कई सारे सवाल है, तो नीतीश को ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, कोई एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और खुद को बिना कोई ऐसा बयान दिए जिसको मीडिया लूट ले या बीजेपी लूट ले या फिर विपक्ष की अभी से जो एकता की कुछ 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 परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं उसमें पंचर लगा दें, इन सब से बचना होगा और एक ऐसी तस्वीर पेश करनी पड़ेगी कि सारे पार्टियां क्षेत्रीय दल थोड़ी थोड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए एक बार के लिए, मान लें कि साहब करो या मरो वाली स्थिति है, वाकई में करो विपक्ष के लिए करो या मरो वाली स्थिति है कि 2024 में नहीं कर पाए तो फिर तो मरना निश्चित है, फिर तो अगले 5 साल में बीजेपी क्या से क्या हालत कर देगी, जैसा कि पिछले 5 साल में हमने देखा है कि शिवसेना की तो कम से कम हम कह रहे हैं कि क्या हालत की, अकालियों का भी साथ छोड़ा तो अकाली भी बहुत पीछे चले गए आप जानते हैं, नीतीश को भी निपटाने की तैयारी थी, अब मणिपुर में 5 MLA उनके तोड़े ही ना, ये तो हकीकत है, तो ये समझाइश का दौर मुझे चल रहा है। हालांकि एक पत्रकार है उन्होंने एक चैनल पर जो कहा था जो बात याद आती है, हरजिंदर सिंह है, हरजिंदर जी हैं हमारे दोस्त हैं, हिंदुस्तान में हुआ करते थे अब रिटायर हैं, कि साहब ये विपक्षी दलों की विडंबना ये है कि ये एक साल से ज़्यादा अलग अलग नहीं रह सकते और जब साथ आते हैं तो फिर 3-4-5 महीने से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते, तो नीतीश को इस मिथ को तोड़ना है, इस छवि को तोड़ना है
जनता के साथ कनेक्ट करना है, जनता का विश्वास अर्जित करना है। जनता अभी टीना फैक्टर की बात करती है, अरे मोदी जी को वोट नहीं देंगे, चलिए आप कहते हैं नहीं देंगे, लेकिन फिर दें किसको? आप बताइए ना, आपका नेता कौन है, आपकी आर्थिक नीति क्या है, आपकी बेरोजगारों के प्रति नीति क्या है, आपकी वेलफेयरिज्म रेवड़ी को लेकर नीति क्या है? आप तो नहीं आ गई रेवड़ी नीति। तो इन सब सवालों के जवाब तो तैयार होने चाहिए, और इन सारे सवालों के जवाब एक स्वर में पूरा विपक्ष बोले, दाएं बाएं कुछ नहीं करे, तो क्या नीतीश इतना सा भी कर पाए? तो बहुत बड़ा होगा विपक्ष पर, बहुत बड़ा है, एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एहसान होगा। जिसकी सेवा करेंगे तो मेवा भी उनको मिल ही जाएगी, आप जानते हैं, और कोई भी स्वार्थी निस्वार्थ भाव से राजनीति नहीं की जाती, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सबका सामूहिक हित किसमें है, और जनता को ये बताना कि पूरी जनता का सामूहिक हित विपक्ष के एक होने में और विपक्ष के सामूहिक हित में है, और दोनों हित आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात जनता तक पहुंचाना, उनको कन्विंस करना, उनके सारे सवालों के संतोषजनक जवाब देना, ये एक भारी 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 जिम्मेदारी है। क्योंकि बीजेपी ने तो चला रखा है अपना ब्रह्मास्त्र, भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं और सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, भारत माता की सेवा नहीं करना चाहते। ये तमाम चीजें तो बीजेपी, उनके नेता, जिसमें आप प्रधानमंत्री का नाम भी ले सकते हैं, उन्होंने तो लाल किले से ही कह दिया था, फिर बाद में अभी भी कहा कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, लाल किले से भी कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये मुख्य मुद्दा है। तो इसका ये जो छवि है, ये नैरेटिव है, इसको पहले तोड़ना हो, विपक्ष इसको तोड़ पाया और जनता का विश्वास अर्जित कर पाया तो कहानी आगे बढ़े। देखते हैं नीतीश करते क्या, नीतीश नया क्या करते हैं, ये देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।